फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में हम देखेंगे फोरियर सीरीज की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ओमेगा इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी। तो अगर हम देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म तो क्या होगा? प्लस जे ओमेगा टी डी टी। तो हम यहाँ पर डेल टी का निकाल रहे हैं, तो डेल्टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है? वन होता है। ओके, तो याद रखिएगा डेल्टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होता है? वन होता है। ठीक है, चलिए इतना पता चल गया। इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। डेल्टी का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देखें फोरियर सीरीज का, तो ये हो गया। और एंगल क्या हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका? जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा वन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये देखिए, एफ ओमेगा क्या अगर हम देखें तो डेल ओमेगा हुआ, तो एफ टी क्या होगा? वन बाय टू पाई लिमिट इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ओमेगा एक पास जे ओमेगा नॉट टी डी ओमेगा। ओके, तो याद रखिएगा, तो वन बाय टू पाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ से? डेल ओमेगा, तो वन का क्या हो जाएगा? वन टू पाई डेल ओमेगा, ये हो गया। अगर ए एम्पलीट्यूड दिया हुआ है तब क्या हो जाएगा? ए पाई डेल ओमेगा इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, डेल में शिफ्टिंग डाल देते हैं, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला वो देख लेते हैं। देखिए एफ ओमेगा इक्वल टू अगर दिया हुआ है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल में क्या है? शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? एफ टी क्या हो जाएगा? वन बाय टू पाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ए की पावर जे टी डी ओमेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वन बाय टू पाई ए की पावर जे ओमेगा नॉट टी। ओके, अब ये आ गया, तो जाहिर सी बात है इससे क्या हमें समझ आया कि वन बाय ए की पावर जे ओमेगा नॉट बाय टू पाई का जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ आया जाए आया ई की पावर जे ओमेगा नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और यहाँ अगर माइनस है ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट है तो ये किसके इक्वल होगा? टू पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के इक्वल होगा। तो ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए अब ये मैंने फार्मूला लिखा है, अगर इसको हम टू से डिवाइड करके ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ए के पास जे ओमेगा टी डिवाइड बाय वन बाय टू प्लस वन बाय टू ए के पास जे माइनस ओमेगा टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा हमारा वन बाय टू टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस वन बाय टू टू पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो ये देखिए ये किसके इक्वल है? ए की पावर जे ओमेगा टू बाय टू, ये किसके इक्वल होता है? कॉस ओमेगा नॉट टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें कॉस की क्या पता चल गई? कॉस ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? टू टू सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो याद रखिएगा कॉस ओमेगा टी का क्या होता है? ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर इसी में हम वन बाय टू जे से इनटू कर दें और दोनों को डिवाइड माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? ए की पावर जे ओमेगा नॉट टी बाय टू जे माइनस ए की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी बाय टू जे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा वन बाय टू जे टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस वन बाय टू जे
डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ओके, तो ये जो होगा इक्वल, ये किसके इक्वल हो रहा है, ये साइन ओमेगा नॉट टी के इक्वल हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के इक्वल। तो ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, साइन ओमेगा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पाई बाय जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे और देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल सोर्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। ई की पावर -80 यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/a प्लस जे ओमेगा होता है, याद रखना है आपको। सेकेंड है, ई की पावर 80 यू माइनस ऑफ टी का क्या होता है, 1/a माइनस जे ओमेगा होता है। थर्ड है, ए की पावर माइनस मॉड ऑफ टी का क्या होता है, 2a बाय ए स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर होता है। फोर्थ है, ई की पावर -80 यू टी माइनस ई की पावर 80 यू माइनस ऑफ टी, इसका क्या होता है, इसका होता है -2j ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और डेल टी का क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो है, ये कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा और इनको आपको याद रखना है जितने भी हैं इसका डायरेक्ट। ओके, चलिए अब कुछ ऐसे सिग्नल देखते हैं जिनका लिमिटेडली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म है। जैसे पहला है सिंगम सिग्नल, क्या हो जाएगा, 2/j ओमेगा होता है। 1 का क्या होता है, 1 का 2π डेल ओमेगा होता है। थर्ड है, ई के पावर जे ओमेगा नॉट टी, इसका क्या होगा, 2π डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, इसका क्या होगा, 2π डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। फिफ्थ है, कॉस ओमेगा टी, इसका क्या होता है, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। उसके बाद है साइन ओमेगा नॉट टी, क्या होगा इसका, पाई बाय जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो ये कुछ सिग्नल है, ये कैसे हैं, लिमिटली डिफाइंड सिग्नल है। और ये जो है, ये कैसे हैं, वेल डिफाइंड सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट सिग्नल्स की बात और उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए अब आगे कुछ और कंडीशन देखते हैं। चलिए, तो कुछ कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन है। जैसे एफ ओमेगा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर जे माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ओके, तो इसमें हम मॉड ऑफ लगा के देखते हैं क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन में हम क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ टी, मॉड ऑफ एफ टी डी टी इज लेस देन इन्फिनिटी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है, एफ टी क्या होता है, जो होगा एफ टी और एफ ओमेगा क्या होंगे, फाइनाइट वैल्यू होंगे, फाइनाइट वैल्यू होंगे। और हम इसको कन्वर्जिबल भी कहेंगे। ओके, तो ये कंडीशन याद रखनी है। चलिए, अब जैसे एफ टी इक्वल टू सिग्नल दिया हुआ है, तो सिंक सिग्नल का क्या होगा, ये डायग्राम होता है इस टाइप का। तो इसमें एफ टी का सिंक सिग्नल क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 डी टी इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये कैसा सिग्नल हुआ, लिमिटेड वैल्यू सिग्नल हुआ, लिमिटेड वैल्यू हुआ। अब कुछ सिग्नल जैसे दिए हैं,
आर टी दिया है। अब देखिए ये कैसा सिग्नल है, अन डिफाइंड सिग्नल है, ओके अनडिफाइंड सिग्नल है, क्योंकि इसका लिमिट क्या है, इनफिनाइट तक है, लेस देन होगा क्या ये कंडीशन को, नहीं वो करेगा, तो इसलिए कैसा सिग्नल होगा, ये अन डिफाइंड सिग्नल होगा। ओके देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसके मैग्नीट्यूड और स्पेक्ट्रम में और फेज स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंसेस और कैसा होता है। ओके तो देखिए साइन ओमेगा टी का फोरियर कोफिशिएंट क्या होता है, सी एन, सी एन की वैल्यू में अगर देखा जाए तो सी वन और सी माइनस वन क्या होती है, 1/2j और -1/2j, जो कि इक्वल होता है 1/2 × j ओमेगा π/2 के, और ये इक्वल होता है 1/2 × j π/2 के। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। ओके तो ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया, और फेस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, π/2 है इसमें फेस का डिफरेंस तो π/2। ओके तो ये हो गया इसका फेस स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है साइन ओमेगा टी का। अब देखिए तो इसका फेस स्पेक्ट्रम कैसा बना है, -π/2 का डिफरेंस सेम एज इट इज़ जैसे फोरियर सीरीज़ का था, और मैग्नीट्यूड कैसा बना है, यहाँ 1/2 था तो यहाँ क्या है, पाई है इसके मैग्नीट्यूड में। ओके तो मैं यहाँ पे तीन नोट बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए ध्यान से। तो पहला नोट ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इज़ जस्ट ए एक्सटेंशन टू डिस्कशन ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियोडिक सिग्नल। मतलब जो भी हमने फोरियर सीरीज पढ़ी, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जब उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा और एक्सटेंडेड कर दिया, तो ये पहला नोट है। सेकेंड नोट ये है, द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज रियलाइज बाय रिप्लेसिंग मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स फोरियर कोफिशियंट सी एन बाय इम्पल्स वूस एरिया इज 2π टाइम द एरिया ऑफ सी एन। मीन्स जो भी यहाँ पे वैल्यू है फोरियर ट्रांसफॉर्म सीरीज के उसमें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में, उसमें क्या हमें 2π से बस इंटू कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें पाई मिल गया। ओके ये हो गया सेकेंड। थर्ड जो है, द फेस स्पेक्ट्रम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज द सेम फेस स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स फोरियर कोफिशियंट। अब देखिए फोरियर कोफिशियंट का सेम है एज इट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी। तो पहले तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये लिमिटेड सिग्नल है कि अनडिफाइंड सिग्नल है। तो कंडीशन क्या होती है, -∞ to ∞ एफ मॉड ऑफ एफ टी डी टी इज़ लेस देन क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। अब देखिए एफ टी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो 1 dt × ft तो ये किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ये कंडीशन फेल हो जाती तो ये कैसा सिग्नल है, अनडिफाइंड सिग्नल है, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऑड और इवन पार्ट में ब्रोक करना पड़ेगा, तो ऑड ऑफ टी प्लस इवन ऑफ टी। चलिए ये हो गया। अब देखिए इवन वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी सिग्नल हो वो इवन और ऑड पार्ट से मिलकर बना होता है, तो उसमें इवन पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और ऑड पार्ट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2 ऑफ सिंग सिग्नल होती है, ठीक है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको डायरेक्ट पता है क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का क्या होता है, 1/2 × 2π डेलोमेगा, और सिंग सिग्नल का क्या होता है, 1/2 × 2π j ओमेगा, ये होता है। तो क्या आ गया हमारा यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हो गया पाई डेल ओमेगा प्लस 2π j ओमेगा। ओके तो सॉरी 1π j ओमेगा, तो ये याद रखिएगा आप। तो ये यूटी की वैल्यू आपको याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ टी इक्वल टू यू टी प्लस t/2 - u t - t/2। अब इसमें बोल रहा है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, तो
ये कैसा सिग्नल है? कुछ इस टाइप से सिग्नल होगा ये। ये देखिए, ये होगा सिग्नल हमारा, एक स्क्वायर पल्स कह सकते हैं हम इसे। ओके, तो इसका हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब देखिए ये कैसा है, वेल डिफाइंड है, इनफिनाइट वैल्यू का नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड सिग्नल होगा, लिमिटेड वैल्यू सिग्नल है। ओके, तो क्या हो जाएगा, निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ओके, तो एफ ओमेगा क्या हो जाएगा, -T/2 टू T/2 वन इंटू ए की पावर जे ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर जे माइनस जे ओमेगा टी बाय माइनस जे ओमेगा -T/2 टू T/2। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार माइनस जे ओमेगा T/2 माइनस एक बार माइनस जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ओमेगा T/2 बाय माइनस जे ओमेगा। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, टू का इन टू कर देते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस जे ओमेगा T/2, और ये माइनस का भी हमने इन टू कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस जे ओमेगा T/2 बाय टू जे ओमेगा। अब देखिए ये जो सिग्नल बन रहा है, इतना देखें हम, तो ये क्या बन जाएगा, साइन सिग्नल बन जाएगा। तो टू टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा T/2 बन गया ये, और नीचे क्या बचेगा, केवल ओमेगा बचेगा। ओके, तो ये हमारा सिग्नल बन गया। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पल्स का, किसी भी स्क्वायर पल्स का ये होता है। ये कैसा सिग्नल है, टू साइन ओमेगा T/2। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया, T/2 से इनटू कर दिया और T/2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, सैंपल सिग्नल बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया टू टाइम्स ऑफ, टू टू कैंसिल हो गया, सॉरी, क्या बचेगा टी, और ये बन जाएगा हमारा सैम्पलिंग सिग्नल एस से ओमेगा T/2। तो ये होता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो याद रखिएगा। ओके, और ये क्या होता है, सैम्पलिंग फंक्शन होता है जो कि इवन होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, जीरो पे होती है, वन। ओके, तो याद रखिएगा, और इसका हम डायग्राम ही बना के देख लेते हैं। देखिए इसका स्पेक्ट्रम कैसे होगा, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कुछ इस टाइप से होता है। अब देखिए इसमें क्या है, वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ओके, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टी है अभी। ओके, और इसका जीरो क्रॉसओवर कितने पे होता है, के पाई पे होता है, याद रखिएगा। के यहाँ पे एक इंटीजर है, 2π/t, फिर 4π/t, फिर 6π/t, इस टाइप से। और ये कैसा है, एक ऑक्सीलेशन सिग्नल टाइप का है, पहले इंक्रीज हो रहा है जीरो पे, उसके बाद फिर डिक्रीज होते जा रहा है वैल्यू, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है सेम नेगेटिव पोजिशन में। ओके, तो याद रखिएगा आप। चलिए, तो ये बात हुई हमारे सैम्पलिंग फंक्शन की। ओके, तो ये हो गए यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और क्विजेस एंड स्टडी मटेरियल के लिए मेरी वेबसाइट allexamplace.com पे विज़िट कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 7049240399 मेरा नंबर है, और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। चलिए।